मुद्दे तो काफी हैं, बट सरोद टोल प्लाजा को टोल मुक्त करने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन से सामने आकर इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम शर्मा ने कहा कि सरोद टोल प्लाजा को टोल मुक्त करने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर हैं और सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे है। उन्होंने कहा कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात के कारण पुल धंसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा सरकार को बिना किसी देरी के सरोद टोल प्लाजा को टोल मुक्त कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम शर्मा ने जम्मू कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से भी स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की शिकायतों पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। तीन इशू सामने आ रहे हैं, ऑल्दो अभी एट प्रेजेंट सरोद टोल प्लाजा का इशू ज़्यादा गरमाया है, बट मैं ये फोरम और आप लोगों की प्रेजेंस को यूज़फुल तरीके से ये रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि सरोद टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर इशू एंड इवन द प्रॉपर्टी टैक्स इशू, दीज थ्री आर द बर्निंग इशूज, दीज थ्रीज आर द इशूज वेयर पीपल ऑफ जम्मू द पब्लिक ऑफ जम्मू इज लुकिंग अप टू द गवर्नमेंट एंड इवन एक्सपेक्टिंग द बार एसोसिएशन जम्मू टू टेक अप द कॉज। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के अपनी उसी प्रेसिडेंस को मद्देनजर रख के हम लोगों ने ये डिसाइड किया। हमारे साथ यंग लॉयर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑफिस बेयरर्स सब बैठे हैं और ये यूनानिमस डिसीजन है कि हम इस कॉज को अच्छे से प्लीड करें और गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करें कि इन इशूज़ पे रिकन्सिडरेशन की जाए। मैं आपको बता दूँ इन ब्रीफ, टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर दो नहीं हो सकते, ये नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स जो नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर बने हैं उसका रूल 8 सब रूल 2 कहता है कि 60 किलोमीटर में दो टोल प्लाजा नहीं बनेंगे। इसी की सपोर्ट में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में 22 मार्च 2022 को बोला था कि जहां पर भी दो टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं उनको रिमूव किया जाएगा, एक टोल प्लाजा रहेगा। अब ये सरोद टोल प्लाजा और बंद टोल प्लाजा 38 से 40 या 45 किलोमीटर के गैप में है, 60 किलोमीटर नहीं है जैसा हमारे दोस्तों ने हमको बताया। ये क्यों सस्टेन कर रहा है, आज 1.5 साल हो गया, ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी किस चीज़ को देख रही है, क्यों इसको रिड्रेस नहीं करती, क्यों कंपेल करती है लोगों को सड़कों पर आने के लिए। हाईवे अथॉरिटी मस्ट टेक ए कॉल एट इट एंड आई वुड इवन रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट टू टेक ए कॉल ऑन दिस एंड इंस्ट्रक्ट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू इमीडिएटली look to the provisions and act so that the grievance of the public at large is redressed. Iske sath sath smart meters wala, smart meter pe dekhiye, day in day out we are seeing there are inflated bills coming even from the smart meters. Agar smart meter se hi inflated bill aa rahe hain to fir ye kaun si smartness hai meters ki ya department ki. Hamare paas ek bill diya hai aaj, hamare ek senior member hai Ravindra Sharma ji, former additional advocate general hai, इन्होंने कहा विक्रम जी देखिए जुलाई महीने का बिल मेरे पास 208 यूनिट कंज्यूम्ड है, ओपनिंग बैलेंस ये बिल बता रहा है, स्मार्ट मीटर बिल बता रहा है 34,557 रुपये और टोटल अमाउंट ड्यू बता रहा है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 1,96,328। ये कौन सा स्मार्ट मीटर है? और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये वो इंसिडेंट है जो हमारे एक सीनियर मेंबर के घर पर आया। ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जो आप लोग डे इन डे आउट रिपोर्ट कर रहे हो, ये डिपार्टमेंट क्यों एड्रेस नहीं कर रहा, क्यों लोगों के सेंटिमेंट को अननेसेसरी अपसर्ज दे रहा है? ये सारी चीजें एट इट्स इंसेप्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है इनको एड्रेस करे, और अगर ये स्मार्ट मीटर वाकई में स्मार्ट नहीं है तो फिर इनका कोई वाया मीडिया निकाला जाए। और तीसरा जो इशू प्रॉपर्टी टैक्स का, 3 महीने पहले जब प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था हमारे पास भी एक डेलीगेशन आई थी इस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में कि प्रॉपर्टी टैक्स को ये लेके जो खदशात है या आप लोगों को की प्रोपोजिशन है, हम लोगों ने भी 1-2-3 प्रोपोजिशंस दी थी। उन प्रोपोजिशंस की हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव कंसिडरेशन होगी, जैसे एक 700-800 स्क्वायर फीट का अगर किसी का एक कमरा है उसी में उसकी किचन है उसी में से वो बाथरूम भी है, अगर वो अपने बच्चों के लिए 300 स्क्वायर फीट का फर्स्ट फ्लोर पर कोई कंस्ट्रक्शन करता है सो उसका हो गया 800 प्लस 300 1100, सो वो आपकी 1000 स्क्वायर फीट की एग्जेम्पशन में से बाहर हो गया। क्या ये जस्टिफाइड है? अथॉरिटीज़ ने कहा था कि वो इस पर नज़रसानी करेंगे, इसको रीलुक करेंगे, हमको उम्मीद है कि इस पर बात होगी।
मैं साथ साथ ये भी कह दूं कि हमारी जम्मू की सोसाइटी कोई एलिटिस्ट रिच बिजनेस क्लास सोसाइटी नहीं है। हमारे लोग यहाँ सुबह जाते हैं, शाम को कमाई करके वापस आते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा निकालते हैं। आप क्यों ना 1,000 square feet का जो आपका आपने बेस स्लैब रखी है, इसको एग्जेम्पशन को बढ़ा के 1,200-1,500 square feet कर दीजिए, ताकि एक लार्जर सेगमेंट जो है, जो अग्रीव्ड है, वो उसमें कवर हो। हमारा ये मकसद नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू टैक्स जनरेशन है उसमें कोई फर्क पड़े, लेकिन साथ साथ आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टैक्स इम्पोजिशन में जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हार्ड प्रेस्ड फील कर रहे हैं, जो कंप्रेस्ड फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, उनका तो रीलुक होना चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब इन चीज़ों को देख के, जैसे मसलन किसी की, हालांकि ये दिस शुड हैव बीन अ चैम्बर्स कॉज, बट वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग दिस इशू ऑल्सो। कोई एक बुजुर्ग कपल है जिनके, कोई विडो है, कोई ऐसा कपल है जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं, पीछे फैमिली सस्टेन करने के लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्होंने अपने घर में, जैसे म्यूनसिपल बाईलॉज में अवेलेबल है कि आप एक छोटा सा प्रोविजनल स्टोर किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में चला सकते हो, अगर उन्होंने कोई 100 square feet का कोई अपना किराना स्टोर चलाया उस बुढ़ापे में अपनी सस्टेनेंस के लिए, क्या उस पर भी टैक्स लगेगा? क्या इसके लिए एक कोई जनरल एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए? जहाँ हमारे नारी निकेतन हैं या ऑर्फनेजेस हैं, डेस्टिट्यूट होम्स हैं, क्या उनके लिए कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए? सो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, साथ साथ जो आपने कैलकुलेशन का फार्मूला बताया है, मैं कह रहा हूँ आप अच्छे से अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बिठा दीजिए, उसको भी 3 दिन लगेंगे एक घर का टैक्स कैलकुलेट करते। आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला दे रहे हो? अगर आप लोग टैक्स जनरेशन में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को उस टैक्स जनरेशन का, प्रॉपर्टी टैक्स जनरेशन का फार्मूला इतना सिंप्लीफाइड रखना चाहिए कि वो लोगों की समझ में आए। एटलीस्ट हमारी समझ में नहीं आया है, मैंने आपको पढ़ के भी बताया, ये कैलकुलेशन इतनी एब्रीविएशंस में है जो शायद हमने अपने 10th-11th में अलजेब्रा में भी नहीं पढ़ी होगी, इतनी कॉम्प्लिकेसी की क्या ज़रूरत है? सो इन सब चीज़ों को देखते हुए, अगर हमारी रिक्वेस्ट पे, हम रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल एलजी साहब से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इस डेडलाइन को भी अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, और इन दी मीनवाइल अगर इस पे कोई री लुक दे के, रिकंसिडर करके एक बेटर फॉर्म ऑफ रिजीम लाई जाए, तो बार एसोसिएशन का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो